शहर के अजमेरी गेट स्थित रामद्वार में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान शुक्रवार को उपस्थित श्रोताओं को कथा रसपान करवाते हुए संत राम प्रसाद महाराज ने कहा कि मनुष्य की प्रथम गुरु माता होती है, जो अपने संतानों को अच्छे संस्कार प्रदान करती है। संतानों को धन संपत्ति के साथ में अगर आपने अच्छे संस्कार प्रदान किए हैं तो वही संतान माता पिता का नाम रोशन करती है एवं समाज और राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर पहुँचाती है। इसलिए माताओं को अपने संतानों को अच्छे संस्कार प्रदान करने चाहिए। महाराज ने भागवत कथा के प्रसंग के प्रारंभ में परीक्षित का गंगा किनारे आने के प्रसंग के संदर्भ में कहा कि व्यक्ति का मन शांत हो जाए एवं कोई रास्ता दिखाई ना दे तो भागवत रूपी गंगा का आश्रय लेना चाहिए, ताकि कोई ना कोई सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो जाएगी और सद्गुरु मिल जाएंगे तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान सहज हो जाएगा। परीक्षित की भी यही समस्या थी कि मेरी मृत्यु को कौन सुधारे, तो गंगा किनारे गए तो सुखदेव जी महाराज जैसे सद्गुरु उन्हें मिले और उनकी मृत्यु के भय को मिटाकर उनको अभय कर दिया। षष्ठी विस्तार क्रम की कथा का वर्णन श्रवण करवाते हुए संत श्री ने कपिल और देवहूति के प्रसंग में कहा कि सद्गुरु मिल जाए तो सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है और जीवन की सफलता साधक में जब जिज्ञासा आ जाती है और सद्गुरु की शरणागति पहुंच जाता है, जिससे सद्गुरु द्वारा शंका से समाधान की यात्रा सहज हो जाती है। शुक्रवार को कथा के प्रारंभ में भाटी परिवार के अशोक भाटी, भवानी सिंह भाटी, मनीष भाटी एवं सभी भाटी परिवार के सदस्यों ने भागवत का पूजन अर्चना किया एवं कथा के पश्चात आरती उतारी। अंत में प्रसाद वितरण किया गया।